कमाल कर दी है माहिर तू, इधर तो वीर वीर करी जान दी है, उधर तेरी मां ने टोचे नाल तेरा रिश्ता फिक्स करता है, ओदे बारे कुछ चिंता है तेनू? संभाल लो अपनी तीन, हुण तो इहदा रिश्ता भी हो गया टोचे नाल, आ देख लो अगे वधी जान दई है, नहीं तो बेइज्जती करवाण दई अपनी भी ते तुहाडे टब्बर दी। बॉम्ब ब्लास्ट दी वजह तो माहिर पुत्र तू ठीक तो है ना? माही खड़ो जा उत्थे, मैं नहीं चाहती कि तेरा खून हाडे वीर दियां रगां च दौड़े। मैं सीधा सीधा कहन रही हां कि आज जो कुछ भी होया ना मेरे वीर नाल ओदी वजह ना तुहाडी माही है। माही है की बात बने? मम्मी मम्मी वीर दा सपना टूट गया मम्मी। हो गया यार मेनू, मैं इन्ना क्यों सोचन दी हां, आ की करन दी हां? मैं सिमी ने मेनू ठीक कहन दे ही, मेनू ना वीर नु कल्या छड़ देना चाहिए ही, पर यार मैं एक दोस्त वारी तो सोचन दी हां ना, कि एक दोस्त बारे सोचना नॉर्मल है, कि एक दोस्त की फिक्र करना नॉर्मल है? क्यों हो गया यार मेरे दिमाग च इहो जे ख्याल क्यों आन दे ने? मैनू घर जाना चाहिए है। पर यार मैं वीर नू मिलना चाहनी है, मैं उन्हें वेखना चाहनी है कि उहदी किड्डी माड़ी हालत है, मैं उहदे नाल रहना चाहनी हाँ ताकि मैं उन्हें सहारा दे सकां, उन्हें हिम्मत दे सकां कि वह सच का सामना कर सके, पर मैं करांगी किवें? एक तो वीर घर आके बैठ गया, हस्पताल भी नहीं हैगा, हस्पताल होंदा तो जाके मैं उहदी केयर कर सकती सी। भैड़े तरीके ना मेरे गल की है की होया माही? मैं तेनू कहा ना कि वीर दियर किसी ना गल नहीं करना चाहते, चल निकल जाओ इधरों। माही वीर जी ने बहुत जिद करन डए ने, वो किसी नाल गल ही नहीं करते, अपने दरवाजे नू कुंडी मार के रखते ने ते अंदर बड़े रहिंदे ने। यार निम्मो मैं ना वीर नू मिलना चाहनी हाँ, मैं उन्हें वेखना चाहनी हाँ। वीर जी दे हालात वेखते हुए ना मैनू लगता तुहानू हले उड़ीक करनी पाऊगी, वो आपे ही ने किसी नू मिलना चाहते। नहीं निम्मो हाडे कोल ना टाइम बहुत घट है, मैं नहीं चाहती कि वीर ना अपनी उम्मीद छड़े, अपने फौज च जांदा उहदा सुपना टुट जाए। निम्मो मैनू पता इस वक्त ना वीर नू बहुत ज्यादा सट्टा लगियां ने, जिदे करके ना वो अपना सुपना छड़ चुकिया, फौज बारे भुल चुकिया। जदों वीर दुखी हुंदा ना निम्मो, वो सब तो पहला ना अपनी उम्मीदा छड़दा है, मैं उहनू चंगी तरह जानदी है, उहदी आदत है निम्मो। उहनां ने छड़तियां उम्मीदा, देखिया ताइयों मैं कहन दी आ निम्मो, मैं ना एक बार आके वीर नू मिलना चाहुंदी आ ते उहदी फाइल वेखना चाहुंदी आ ताकि मैं देख सकां कि उहनू सट्टा किन्नियां वज्जियां ने यार, ठीक होने टाइम कितना लगेगा, ताकि आप एक बार फिर तो ना उदे फौज की तैयारी शुरू कर दिए। तू समझ रही है ना निम्मो मैं की कह रही हूं? आहो समझन नहीं हूं मैं, चलो मैं देखती हूं की कर सकती हूं, वादा नहीं कर दी पर कोशिश करूंगी। ठीक है निम्मो मैं ना तेरे फोन का इंतजार करूंगी। थैंक यू। ते गल रही प्रीतो दी, ओनू मैं घरे जाके देखती हूं। ते रही गल प्रीतो दी, ओनू तां मैं वेख लांगी, अगली बार मिले तो सही मैनू, पर इस वक्त ना मेरा वीर नू मिलना बहुत जरूरी है। मैं तेनू हारन नहीं देंगी वीर, ये मेरा वादा है। तेरे देशवीर जिदा तू पिंड का नाम रोशन किया, मैनू उम्मीद है कि तू देश का नाम भी
उसे तरह रोशन करे। बॉम्ब ब्लास्ट दी वजह तो भाई पुत्र तू ठीक तो है ना? इस तो पहला तो मैं कभी इतना चंगा फील ही नहीं किया। हूं तक मैं आर्मी का तो पढ़ती होवांगा, मेरा सपना का तो पूरा होवेगा। मैं तेरे लिए टेस्ट का इंतजाम किया है, देश के बड़े बड़े ऑफिसर तेरा टेस्ट लेंगे, हूं मैं तेन वर्दी च देखना चाहनी हूं। लो आगे आशा, तेरी शक्ल ते स्माइल वेख के लगता तेरा मिशन कामयाब हो गया। चलो जो भी होया ठीक है, मैं बाहर चला, मैनू काम है, बाद च गल कर दे। पर तुसी कित्थे चले हो? टोचे दी मां दे आण तो पहला तां घर वापस आ जाओगे ना? तेनू पक्का यकीन है कि टोचे दी मां ने ना ही करनी? मैं अपने धी दीआं इन्नियां क तारीफां करके आई हां ना कि उस जनानी कोल इस रिश्ते नू मना करन दे सिवाय होर कुछ नहीं बचना। पर ओ माही महाराणी है कित्थे? अपने कमरे च है? नहीं नहीं, वो बाहर गई है। की बाहर गई है? तुहानू कहा सी ना मैं कि उन्हें बाहर नहीं जान देना। आशा जी मेरे को टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूं, बाद में करते हैं। मैनू पक्का पता है एक कुड़ी ना वीर नू ही मिलन गई होनी है। लो गल कीती ते नाल ही फोन आ गया वीर दी मामी दा। की गल है लालीए? राती लड़के ढिड नहीं सी भरिया तेरा जिहड़ा हुण कसर कढ़न लई फोन कीता? तुहाडा भला हो जे, मैनू ना कोई दिलचस्पी नहीं हैगी तुहानू फोन करके अपने फोन दा बैलेंस खत्म करन दी। ना फिर फोन की हुण कट्टण वास्ते कीता? इस लई कीता है मैं कि तुही ना अपनी कुड़ी नू संगल पा के रख्या करो। की बकवास करन डई है तू लालीए? माही बारे बोलन तो बाज नहीं आंदी तू। बकवास मैं नहीं करन डई, आ बकवास ना तुहाडी कुड़ी साडे घर आके करन डई है। हां अपनी कुड़ी दी जिम्मेवारियां तो हाथ चुक लिया आ। जुबान संभाल के गल कर लालीए, नहीं तो मैं गल नू इतना बता देंगी ना कि तेरी जुबान ही नहीं रहेगी गल करन जोगी। मैं तो अपनी जुबान नु संभाल लांगी आशा भैन जी। पर पिंड दे लोकां दी जुबान दा की करोगे? आ किनू संभाल लोगे ते किदा किदा मुंह बंद कर दे फिरोगे तुही? ते हुण ना मेरी एक गल सुन लो तुही कान खोल के। मैं ना तुहानू इक ठोक के धमकी देन दई आ, आ ना तुही अपनी कुड़ी नू या तां संगल पा लो या उहनू कमरे च बंद करके रख लो। बांसलां दी कुड़ी संधुआं दे घर दे नेड़े तेड़े नहीं नजर आनी चाहीदी, समझे तुही? चढ़े इस लाली नू तां ना मैं मुंह तोड़ जवाब दवांगी, पर इस तों पहला मैनूं अपने परिवार नूं सिद्धा करना पैणा। इस माही नू तो मैनू वीर तो मिलन तो रोकना पैना। माही भैन जी तुसी तुही एनी छेती तुसी फैसला कर लिता? हाँ जिद्दा तुही अपनी कुड़ी दे तरीफा करके आए सी मैथों तो रिहा ही नहीं गया। ये तो बहुत ही वधिया गल है भैन जी, मैं तो बहुत खुश हाँ तुहानू ये रिश्ता मंजूर है। नहीं भैन जी गलती लगी है तुहानू। मतलब? मतलब मैनू माही अपने टोचे लिए पसंद नहीं हो। नहीं नहीं भैन जी ऐदा ना करो, मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़दी हाँ, मिन्नत करदी हाँ, तुसी इस तरह ना करो, मेरी धी दी जिंदगी बर्बाद हो जूगी। मैं तो उही करना चाहती हाँ ना जो मेरी माही चाहती है। पर मैं वो नहीं चाहती जो तुहाडी धी चाहती है। एक बार होर सोच लो, मैं हाथ जोड़दी हाँ, मेरी धी की इज्जत रख लो।
मम्मी आ की करन दियो तू इदा मिंदा क्यों कढ़न दियो तू ही आंटी अगे तेरी खुशी लई तो मैं कुछ भी कर जावांगी भैन जी तुसी इस रिश्ते लई हां बोल दो मेरी माही बहुत ही बीबी कुड़ी है हाँ बड़ी बीबी ती है शरे आम हस्पताल च वीर नूं खून दे के आई है तुहाडी माही दे दिल दिमाग तो अजे तक वीर दा भूत नहीं उतरिया पहला अपनी धी के जज्बातों काबू च करो फिर जाइयो कित रिश्ता लैके आ लो आ समान तो ही आडे घर छड आए गए मोड़न आई सी भैन जी इस तरह ना करो मेरी माही तो बहुत ही बीबी कुड़ी है आ खड़ी तुहाडी बीबी ती पुछोगे यार कितने हैगी ये बीबी ती ये भैन जी मेरी गल तो सुनो भैन जी तुसी मेरी गल तो सुनो भैन जी मम्मी मेरी गल तो सुनो जो तू चाहनी है तेरा साथ देन दा नतीजा आ मिलदा मेनू बेइज्जती जदो मर्जी कोई भी घर आके सुना के चला जांदा है क्यों माही कर ली तू अपनी मन मर्जी किथे गई सी किथे सी तू हुण तक वीर नू मिलन गई सी ना मेरे मना करन दे बावजूद हुण जदो मैं तेरे कहन ते टोचे दे घर रिश्ता लेके गई तां वेख्या ना की कुछ सुना के चली गया मेनू हार गई आ माही मैं तेरे अगे हार गई हाँ सब कुछ करके वेख लिया मैं पर तू नहीं सुधरी मेरे संस्कारां च कोई कमी रह गई है माही हरा दिता तू अपनी मां नूं हरा दिता माही है कीता माही मैं ओह कुछ कीता ना जो तू चाहती सी फिर भी मैनूं ओहदा आ सिला मिलिया माही ते ओहदे लई भी तू अपनी मां दी इन्नी बेइज्जती करवा दित्ती क्यों माही केड़ी गल दा बदला लैण गई है तू मेरे तो भला ही तो चाहनी है ना मैं तेरा तू अपनी मां की कदर नहीं पाई माही कदर नहीं पाई किसे दी नहीं पाई तेनू हर वेले वीर दा रोना रोंदी रहती है वह भी तो बंदा ही है ना हड्डे वर्गा कोई रब थोड़ी है जिदे पिछे कमली होई पई है तू मां प्यो की इज्जत की कोई परवाह नहीं तेनू तू तो अपने प्यो की इज्जत की परवाह भी नहीं की जिदी तू धी भी नहीं फिर भी तेरी हर गलत गल उत्ते परते पाते रहते हैं शर्म कर माही शर्म कर तू ते सानू लोकां दे सामने बेइज्जत करके रख दिता माही क्यों क्यों कीता माही तू ये सब क्यों केड़ा बदला लैन रही है तू मेरे तो माही मैनू नहीं सी पता तू मेरे नाल इंज करेंगी माही मम्मी क्यों क्यों माही मैनू नहीं सी पता मम्मी तू मेरे नाल माही क्यों माही तू क्यों मम्मी कदर नहीं मम्मी मेरे भाई तो मम्मी क्या मम्मी बाबूजी विक्की मम्मी मम्मी ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ आशा तेरा भी मैनू समझ नहीं मतलब तू मिंटा च इन्नी टेंशन किद्दां ले लैंदी आशा ए बीपी दी बीमारी बड़ी भैड़ी हुंदी है इहनू तां नेड़े भी नहीं फरकण देना चाहीदा थोड़ा माहौल ठीक करो टेंशन घट लिया करो ते हसिया ज्यादा करो आ जिहड़ियां दवाइयां मैं लिखियां ने मंगवा लो इहनां नू हफ्ता भर दिओ ते फिर वेख लिया ठीक है डॉक्टर साहब पुत्र इना की हो गया जेड़ी गल इन्नी वध गई एनु क्यों पूछन डे हो तू ही तू चुप रह आशा आराम कर गल्ला ना कर ज्यादा बाबू जी वो टुच्ची दी मम्मी आई है ओ जनानी मेरे घर आके मेरे मुंह ते मेरी धी दा रिश्ता मना कर के
आशा तू सुनती नहीं ना मेरी गल। की करा जोगी जी, मेरी धी अपने घर की इज्जत उचाड़न ते लगी हुई है ते ओ लाली मैनू फोन करके कहती है कि अपनी धी नू लगाम दे, हुण ओ सानू सिखाएगी कि बच्चे किवें पाली दे। क्यों ओ क्यों इन्नी गल कहंदी है फोन ते? पुछो आपदी धी नू। बाऊ जी मैं तो बस वीर नू मिलना चाहती ही। मैं कह के गई ना कि तू घरों किते नहीं जाना, पर ए महाराणी इनू तो वीर का मूँह वेखे बिना सह नहीं आता ना। मम्मी मैं तो बस आ पता लाना ही कि वीर किनिया सट्टा बजिया ने, तो ये दसो कि एड्डी वड्डी गलती हो गई है। इस कुड़ी नू तो ना कोई नहीं समझा सकता, मैं तो परेशान हो गई हाँ। बाऊ जी मैनू तो इो समझ नहीं आँगी कि सारी गल् एक दूजे न क्यों जुड़िया हुई ने। टोचे की मम्मी रिश्ते मना कर गई, ये वीर का की लेना देना? लेना देना क्यों नहीं, लेना देना है। आशा तू बह जा आराम, डॉक्टर आराम करने नू कहना तेन, आप बाद च गल कर लेंगे। नहीं जोगी जी असी हुणे गल करांगे, इस कुड़ी नू पता होना चाहिए की सही है ते की गलत। माही गल सुन ले तू मेरी कान खोल के, हर पवाड़े च ना तू अपनी मनमानी नहीं चला सकती, लगी समझ तेन? हॉस्पिटल च जो कुछ भी होया मैं इस करके चुप सी कि चलो लोगों सामने तमाशा क्यों बनाना, पर माही तू तो सारी हदा ही पार कर दितियां। शायद तेरे लिए वीर नू जाके मिलना ठीक होगा, पर जदों तेरा रिश्ता होन डिया वह भी इसे पिंड च, ते कोई भी परिवार यह नहीं चाहेगा कि उन्होंने घर की नूह यह सब कुछ करती फिरे, किसी होर मुंडे पिछे कमली होंदी रवे। माही यह पिंड है, लगी समझ तेन? चल बहुत हो गया आशा, हूँ बस तू चुप हो जा। किवें चुप होवां जी, जदों औलाद एहो जी होवे तां बीमारियां तां लगनियां ही होईयां ना। उस लाली ने ना सारे पिंड च इहदा नां बदनाम कर देना है। मैनू फोन करके कहंदी है अपनी धी ते लगाम लगाओ। उस जनानी नूं ना मैं वेख लांगी, बड़ा मजा आंदा ना उहनूं मेरे नाल पंगे लै के, जिड्डा वड्डा उहदा मूंह आ ना गल्लां पट के ना हाथ च दे देणी है मैं उहदे। बस चुप हो जाओ तुसी दोवें, एक शब्द नहीं सुनांगा मैं हुण। कहे माई तेरी मां ना सही कहंदी है, तेरी हरकतां दे उपर कोई तां हद होनी चाहीदी है, किते तां तू ब्रेक लाएंगी ना पुत्तर, किहे लई कुछ करन जांदी है ना ते आला दुआला बिल्कुल भुल जांदी है। पुत्तर हुण तू बची नहीं रही, वड्डी हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਲਾਲੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਤ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੇਰ ਲੈਣ? ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਮਾਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਚੇ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਮਾਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਲਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਸ਼ਾ ਭੁਲਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ,
हुण तू अपनी धी दे नाल सुलाह कर ले। कुड़ियां दे नाल ही ना वेड़े च रौनक होंदी है, ते इन्ना नाराज नहीं होईदा अपनी कुड़ी तों। तुसीं मां धी दोनों गल करो, मैं हुणे आया। बह जा पुत्र अपनी मां नाल। सॉरी मम्मी, मैं ना तुहाडे तों दिलों माफी मंगदी हां। मेरे कारण तुहाडी इन्नी ज्यादा बेइज्जती होई, प्लीज मैनू माफ कर दो। प्लीज मम्मी मेरे नाल गल कर लो। हुण लगदा माही मेरी गल मनूगी ते मेरे खिलाफ नहीं जाऊगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा माता रानी।